का मैं आचार्य सुरेंद्र में आज हम बात करेंगे मकर संक्रांति। इस वर्ष मकर संक्रांति का पर्व 15 जनवरी 2024 यानी कि परसों सोमवार के दिन मनाया जाएगा। मकर संक्रांति सूर्य की उपासना का पर्व है। सूर्य के धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करने पर खरमास की भी समाप्ति हो जाती है और सभी मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। मकर संक्रांति में सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं और ऐसे शुभ संयोग में मकर संक्रांति पर स्नान, दान, मंत्र, जप और सूर्य उपासना करने से अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। 15 जनवरी 2024 सोमवार को प्रातः 2:54 पर सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे। 15 जनवरी 2024 को 7:17 से 17:45 तक पुण्य काल रहेगा और 7:17 से 12:50 तक महापुण्य काल रहेगा। 12:09 से 12:50 तक अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा। मकर संक्रांति पर पुण्य और महापुण्य काल का बड़ा ही विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन से स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं, इसलिए इस दिन गंगा स्नान, सूर्योपासना, दान मंत्र जप करने से व्यक्ति के पाप धुल जाते हैं। मकर संक्रांति वाले दिन प्रातः किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए और यदि यह संभव ना हो सके तो पानी में थोड़ा गंगा जल डालकर आप स्नान कर सकते हैं। प्रातः स्नान के बाद उगते हुए सूर्य नारायण को तांबे के पात्र में जल, गुड़, लाल पुष्प, गुलाब की पत्तियां, कुमकुम, अक्षत आदि मिलाकर जल अर्पित करें। तत्पश्चात कुछ देर आसन पर बैठकर गायत्री मंत्र के जाप करने चाहिए और अपने इष्ट देवी देवताओं का भी उपासना करनी चाहिए। पूजा उपासना से उठने के पश्चात गाय के लिए कुछ न कुछ दान अवश्य करें, जैसे हरा चारा या गुड़। इस दिन अपने पूर्वजों को प्रणाम करना न भूलें और उनका आशीर्वाद भी लें और कुछ दान पुण्य भी कर सकते हैं। इस दिन गरीब और जरूरतमंदों को दान अवश्य करें, जैसे कि तिल, गुड़, चावल, मूंग, गेहूं, वस्त्र, कंबल। इससे शनि और सूर्य देव की कृपा आप पर बनी रहेगी। इस वर्ष मकर संक्रांति सोमवार के दिन पड़ रही है, अतः भगवान शिव जी की उपासना, जलाभिषेक इत्यादि करना भी शुभ फलदायक रहेगा। अंत में कहना चाहूंगा, मकर संक्रांति पर्व मनाने में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग परंपराओं का भी ध्यान रखें, अर्थात अपने क्षेत्रीय रीति रिवाजों के अनुसार मकर संक्रांति का त्यौहार मनाएं। धन्यवाद।